thank mm -hmm. you फ्रेंड्स आई एम पूजा ठाकुर एंड आई एम बैक विद अनादर वीडियो रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दैट इज फिक्शन वर्स इज नॉन फिक्शन सो दिस इज दार्ट ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ पोएट्री एज ऑल नो इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दैट पोएट्री हैजू पार्ट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन सो यहाँ पे हम आज इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड सिमिलैरिटीज भी देखेंगे लास्ट में ओके सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो सो so फ्रेंड्स हमने कई टाइप्स की बुक्स पढ़ी हैं कई कैटेगरी की बुक्स पढ़ी हैं सो उसे हम कहते हैं जॉनर सो so, वो जॉनर किस टाइप का होता है जॉनर क्या है वो या तो फिक्शन है या फिर नॉन फिक्शन है ओके okay? जो बुक होती है वो उसकी जो कैटेगरी होती है वो या तो काल्पनिक होती है या फिर अकाल्पनिक होती है सो so, उससे जो कैटेगरी है बुक की उसे कहते हैं जॉनर और वो जॉनर कौन से हैं वो है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ओके okay? सो so, अब इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है फिक्शनल बुक्स में और नॉन फिक्शनल बुक्स में सो लेट्स स्टार्ट इट सो दिस वर्ड फिक्शन इट मींस टू फॉर्म इसका मतलब होता है टू फॉर्म मतलब बनाना ठीक है जिसे खुद से बनाया गया है उसमें कुछ ऐड किया गया है खुद से सो फर्स्ट वन इज़ फिक्शनल लिटरेचर इज़ इमेजिंड क्या होता है ये फिक्शनल जो लिटरेचर होता है वो इमेजेंड होता है मीन्स इसमें जो स्टोरी होती है इस इस जो आ, बुक में इस टाइप की बुक में जो स्टोरी होती है वो टोटली totally इमेजिनड होती है ऑथर की इमेजिनेशन से वो क्रिएट की हुई होती है ठीक है ऑथर उसे अपने सोच से बनाता है ठीक है ऑन द अदर हैंड नॉन फिक्शनल लिटरेचर इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स सो so, जो नॉन फिक्शनल बुक होती हैं वो फैक्ट्स पे डिपेंड uh, होती हैं जो भी उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी के सारी फैक्ट uh, होती है एक्यूरेट होती हैं ठीक है ठीके? जो भी चीज़ें हमारे हिस्ट्री में हैं या जिसका भी जो ट्रुथ है जिसका प्रूफ है वो सारी चीज़ें हमारी नॉन फिक्शनल काइंड के बुक्स में होती हैं सो so, अब अब बुक्स कौन सी होती हैं जैसे फिक्शनल बुक्स कौन सी हो गई जिसमें कि हम पढ़ते हैं फैंटेसी पढ़ते हैं ये सस्पेंस होता है थ्रिलर होता है रोमांस रोमांस होता है ठीक है uh, और जो हमारे नॉन फिक्शनल बुक्स होती हैं वो कैसी होती हैं लाइक like हम बायोग्राफी पढ़ते हैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं ऐसे हो गए ओके एंड इसी तरीके से जितने भी हमें आर्टिकल uh, हो गए ये सारी चीज़ें हमारी नॉन फिक्शन में आती हैं ओके नाउ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ दिस फिक्शन इस फिक्शन का पर्पज़ क्या है सो इस फिक्शन फिक्शनल बुक्स के जो पर्पज़ होते हैं वो जस्ट टू एंटरटेन एंड टू इन्जॉय इसका पर्पज़ है कि हमें वो एंटरटेन करती है ठीक है एक अच्छा लगता है इंजॉय करते हैं उसको पढ़ के ठीक है एंड वॉट इज द प पर्पज ऑफ दिस नॉन फिक्शन बुक टू लर्न एंड टू इन्फॉर्म ये जो नॉन फिक्शनल बुक होती है वो एक फैक्ट पे होती है ट्रूथ पे होती है एंड हिस्ट्री से रिलेटेड होती है ठीक है so सो वो क्या होता है हम उससे कुछ सीखते हैं हम उसमें कुछ पढ़ते हैं कुछ जानकारी लेते हैं उसके लिए ये बुक्स लिखी जाती है ठीक है इसका ये पर्पज़ होता है ना फिक्शनल बुक कैन बी डिफ़रेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो जो फिक्शनल बुक्स होती है उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि ये टोटली totally इमेजनरी होती है ऑथर का इमेजिनेशन होता है सो so, किसी एक टॉपिक टॉपिक पे ऑथर जो इमेजिनेशन कर रहा है या अपना जो भी परसेप्शन डाल रहा है वहां पे बना रहा है स्टोरी उस पर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज हो सकते हैं लाइक like, मेरा परसेप्शन कुछ और हो सकता है बिकॉज वी ऑल आर हैविंग डिफरेंट काइंडस ऑफ पर्सनैलिटी एंड परस्शन ऑल्सो सो परसेप्शन पर्सनैलिटी हमारी अलग है तो so, हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो so, एक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम सब की पॉइंट ऑफ व्यू अलग होती है लाइक like, हम कोई मूवी देख के आते हैं सो so, अगर सबका रिस्पॉन्स uh, पूछे या हाँ, फीडबैक लेते हैं तो सबके थोड़े डिफरेंट रिस्पॉन्स होते हैं राइट right? किसी को बहुत अच्छा लगता है किसी को एंडिंग नहीं अच्छी लगती है किसी को बिगनिंग नहीं अच्छी लगती या कोई uh, दूसरी चीज़ें जो से उन्हें अच्छी लगती हैं सो so, ये होता है पॉइंट ऑफ व्यूज ओके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ना ऑन द अदर हैंड नॉन फिक्शन एज ऑथोरियल पॉइंट ऑफ व्यू जो और सिर्फ इसमें क्या होता है ऑथोरियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है मीनस ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं इसमें आप अलग से कुछ ऐड नहीं कर सकते या आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग नहीं हो सकता है ठीक है क्यों क्योंकि ये ट्रुथ है ठीक है ये फैक्ट है ऐसा हुआ है ऐसा होता है या तो साइंटिफिकली प्रूवन होगा या हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा इस तरीके से उस ऐसे पॉइंट्स से रिलेटेड यहाँ पे हमारे यू नो वी कैन से इंफॉर्मेशन रहते हैं सो so, इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा सिर्फ ऑथर का होगा और हमारा उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है ओके नाउ इन फिक्शनल बुक्स वी रीड इट इन ऑर्डर हम इसे एक ऑर्डर में पढ़ते हैं कैसे ऑर्डर कोई भी स्टोरी होती है आप सोच रहे हो तो अगर हमें मिडिल से अगर हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो क्या हमें समझ में आएगा नो no. है ना वी कांट अंडरस्टैंड हमें क्या करना पड़ेगा हमें बिगनिंग देखना होगा फिर उसका मिडिल पढ़ना होगा देन हमें एंड पढ़ना होगा देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी होल स्टोरी ठीक है होल नॉवेल जो भी है ठीक है so सो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर से पढ़ा जाता है बट हेयर इन नॉन फिक्शन वी कैन रीड इट इन एनी ऑर्डर हम किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं लाइक अगर कोई ऑटोबायोग्राफी दी है या बायोग्राफी दी है तो अगर हमें उस उनकी लाइफ के बारे में नहीं पढ़ना वी वॉन्ट टू नो अबाउट देअ वर्क्स ओनली सो हम स्टेट वे वर्क्स पढ़ सकते हैं है ना हम स्किप कर दें लाइफ के बारे में या वर्क्स नहीं पढ़ना चाहते हैं सिर्फ लाइफ की हिस्ट्री देखना चाहते हैं उनकी तो वी कैन रीड दैट ऑल्सो सो ये कोई ऑर्डर नहीं है इसमें हम कुछ भी पढ़ेंगे हम वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे ही लेंगे ठीक है नाओ फ्यूचर इज कि इसमें क्या होता है इसमें स्टोरी एलिमेंट्स होते हैं ठीक है और वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कि इसमें क्या होता है इसकी स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं एक सेटिंग होती है प्लॉट होता है ठीक है प्रॉब्लम होता है सोल्यूशन होता है ट्रेजिडी रोमांस ये सारी चीजें उसमें भरी हुई होती हैं ठीक है थीके? जो कि सब इमेजिनेटिव होती हैं ओके ना वेर इज इन नॉन फिक्शन दैट बुक इज़ हैविंग समेक्सट फीचर्स कुछ उसके टेक्सट फीचर्स होते हैं क्या फिर टेक्स्ट फीचर्स है लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है ग्लॉसरी होती index है इंडेक्स होता है डाइग्राम्स मैप्स फोटोग्राफ्स एंड यू कैन से ग्राफ हो सकता है ठीक है बोल्ड लेटर्स बोल्ड वर्ड्स हो सकते हैं की वर्ड्स हो सकते हैं है, और भी इस तरीके से वो जिस तरीके से अपने मैटर को जो भी फैक्ट वहाँ प्रजेंट कर रहा है उसे प्रूव कर सकता है आपको समझा सकता है दे यूज़ ऑल दोजू कैन से टूल्स ठीक है वह सभी चीज़ों को यहाँ यूज़ करके वो आपको न, उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक है ये सारी चीजें उसमें होती हैं नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल देन एग्जाम्पल विल बी लाइक फिक्शन का क्या एग्जाम्पल होगा अ स्टोरी अबाउट अ कैट दैट टॉक्स जैसे एक कैट के बारे में स्टोरी है जो कि बात कर सकती है अब ये तो फैक्ट नहीं है ना ये तो जो कोई कैट है वो क्या बात कर सकती है नो no. हमने डोरेमोन देखा है सो so, डोरेमोन जैसा कोई चीज़ है एग्जिस्ट करता है नो no. कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है सो so, ये टोटल इमेजनरी है ये yes, टोटली इमेजनरी है इमेजिनेशन बेस्ड है सो so, ये हमारा फिक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है वन मोर इज़ देअ लाइक हैरी पॉटर अ वेरी फेमस बुक है ना मैंने भी पढ़ी है बहुत अच्छी बुक है बाई जे की रॉलिंग्स इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें तो पूरा यू कैन से पूरा फैंटेसी भरा हुआ है बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग बुक है सो so, ये जो बुक है वो जो उसमें जो दिखाया गया है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है बट वो पढ़ने में हमें क्या आता है बहुत बहुत मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है, है ना इंटरटेनिंग होता है काफ़ी लेट्स सी द example ऑफ नॉन फिक्शन अ बुक अबाउट एनिमल लाइफ साइकिल एक ऐसी बुक जो एनिमल के लाइफ साइकिल के बारे में बताता है ठीक है लाइफ साइकिल पर्टिकुलर होता है कुछ भी अलग नहीं हो सकता है ठीक है लाइक हम कॉकरोच का लाइफ साइकिल पढ़े या फ्रॉग का पढ़े या किसी भी एनिमल का पढ़ते हैं तो वो एक क्या है वो एक फैक्ट है ठीक है साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सही हैं वो वो चीज़ ट्रुथ है तो वो है और इसके अलावा जैसे कि हम आ, पढ़ते हैं कैन से इंसाइक्लोपीडिया है वो सारी चीज़ें हमारे नॉन फिक्शनल बुक्स में आ जाती हैं एक हम uh, देख लेते हैं बुक द बॉयज़ इन द बोट ये एक बुक है जो कि डेनियल जेम्स ब्राउन ने लिखी है ये टोटली नॉन फिक्शन बुक है आप ज़रूर पढ़िएगा बहुत इंटरेस्टिंग भी है सो ऑल दीज से वे वे वे, वे

ऑथर्स दोनों में होंगे दोनों की बुक में कुछ टाइटल भी होगा ठीक है ये भी अपना टाइटल देगा वो भी अपना टाइटल ज़रूर देते हैं ठीक है थीके? दोनों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए हम इसे पढ़ते हैं इन्जॉय करने के लिए पढ़ते हैं और यहाँ पे भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हमें मिल रहा है तो वो भी हमें इंटरटेन कर रहा है या हमें इन्फॉर्म कर रहा है ठीक है मतलब मजा आ रहा है वो भी पढ़ने में कि हाँ ये बुक अच्छी है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है ना उसमें भी हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ओके देन वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स सो इसमें जो टॉपिक्स है इसमें भी बहुत हैं हम दुनिया भर के बहुत मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें लेते हैं और उसके बारे में लिखते हैं उसी तरीके से इसमें भी जो जो ऑथर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें सोच के कुछ नया कुछ अलग हमेशा कुछ न कुछ उसमें नॉवल्स एंड बुक्स लिखते रहते हैं ओके सो दीज वर दम लाइक दीज वर समलार्टीज विटवीन दीज टू